हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ऑडिट रिपोर्ट की समरी ऑलरेडी अपनी समरी वीडियो में कवर कर चुके हैं जो मैंने पहले अपलोड की थी। नाउ विल स्टार्ट विद द चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द प्रैक्टिस मैनुअल। ठीक है, इससे आपकी क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी एंड डायरेक्टली विल स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, In what circumstances does the report of the statutory auditor requires modifications? What are the types of modifications possible to the said report? The question is asking that as per the standards of the auditing, what are the circumstances in which a report of the stat auditor require modifications? ठीक है, कब कब आप मॉडिफाई करोगे रिपोर्ट को एंड किस किस टाइप की मॉडिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, तो हमने रिवीजन में टेकअप किया था, आप अनक्वालिफाइड रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो जब आपका एज़ पर FRF प्रिपेयर हुआ हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपका जो भी है सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, तब आप रिपोर्ट्स को क्वालिफाई नहीं करते हो, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट अनमॉडिफाइड रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो। ठीक है, आपको सारे एविडेंसेस भी मिले हैं एंड आपका लॉज फॉलो हो रहे हैं, रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, प्रॉपर फॉर्मेट्स शेड्यूल 3 के फॉलो हो रहे हैं, काउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग आप मॉडिफाई कब करते हो। ठीक है, एक तो जब आपका FRF फॉलो नहीं हो रहा होगा, ठीक है, जब आपका रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहे, आप शेड्यूल 3 फॉलो नहीं कर रहे हो, SA 705 है उसके अकॉर्डिंग गवर्न करता है मॉडिफिकेशंस। ठीक है, मॉडिफिकेशंस में आपको एविडेंस मिले नहीं हैं या फिर मिले हैं तो आपको सही नहीं मिले हैं। ठीक है, फिर आप फर्दर जब उसके टाइप्स डिफाइन करोगे कि किस किस टाइप की मॉडिफिकेशंस आप दे सकते हो, तो देर आर 3 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस इन द ऑडिट रिपोर्ट, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। ठीक है, तो हम आंसर्स रीड करते हैं एक बार कि कौन कौन सी टाइप की मॉडिफिकेशंस होती हैं एंड कब कब हम क्वालिफाई रिपोर्ट देंगे, कब कब हम एडवर्स रिपोर्ट देंगे एंड कब कब हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। ठीक है, मॉडिफिकेशंस इन द ऑडिट रिपोर्ट एज पर SA 705, मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, द ऑडिटर शेल मॉडिफाई द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट Based on the audit evidence obtained, the financial statements as a whole are not free from material misstatements. ठीक है, ये बोल रहा है on the basis of the evidences obtained. ठीक है, इस first case में उसको evidences मिल गए हैं लेकिन वो evidences जो है वो सही नहीं हैं, they are not free from material misstatements. ठीक है, वो evidences गलत हैं, या फिर B part is The auditor is unable to obtain the sufficient appropriate audit evidence to conclude that the financial statement as a whole are free from material misstatement. ठीक है, first point में उसको evidences मिल गए थे लेकिन वो सही नहीं थे, second case में उसको evidences मिले ही नहीं हैं, he is unable to obtain the evidences, तो अगर उसको evidences मिले ही नहीं हैं तो then वो बताएगा कैसे कि आपके financial statements are free from misstatement or not. ठीक है, उसके लिए आपके पास एविडेंसेस होने नेसेसरी हैं, तो इन केसेस में आप मॉडिफाई करोगे कि एविडेंसेस हैं गलत हैं या फिर एविडेंसेस हैं ही नहीं। देन फर्दर, इफ़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क डू नॉट अचीव फेयर प्रेजेंटेशन, द ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क And how the matter is resolved shall determine whether it is necessary to modify the opinion in the audit report in accordance with SA 05. This paragraph is saying कि आपका जो भी applicable FRF है, आपका जो भी reporting framework है, अगर वो follow नहीं हो रहा है then you should discuss it with the management and management उसके against क्या action ले रहा है, आपने कैसे उस matter को resolve किया, अगर वो हो गया है तो well and good, अगर नहीं हुआ तो आप accordingly अपने opinion को modify करोगे। ठीक है, वो circumstances पर depend करेगा कि आपने FRF follow किया, उसको resolve किया कि नहीं किया। Types of modifications to the auditor's opinion. SA 705, modifications to the opinion in the independent auditor's report. Modified opinion may be defined as a qualified, adverse or disclaimer of opinion. 3 type की modifications होती हैं audit report में। 1 is
qualified, one is adverse and one is disclaimer of opinion. ठीक है, now what is qualified, adverse and disclaimer. क्वालिफाइड में आपके पास एविडेंस हो भी सकता है, आपके पास एविडेंस नहीं भी हो सकता. ठीक है, दैट इज़ मटीरियल, लेकिन वो परवेसिव नहीं है. परवेसिव का मतलब होता है कि हर एक लेवल पे स्प्रेड हुआ हुआ है, हर एक मैनेजमेंट को हर एक लेवल पे वो अफेक्ट कर रहा है, एंड सब कुछ अफेक्ट हो रहा है एंड थ्रू आउट स्प्रेड हुआ हुआ है. ठीक है, अगर हर लेवल पे वो गड़बड़ जो है जिसका इम्पैक्ट आ रहा है मैनेजमेंट में, तो देन इट इज़ नोन एज परवेसिव. तो क्वालिफाई आप तब करोगे कि आपके पास एविडेंस है भी और नहीं भी. ठीक है, होगा और मटेरियल एविडेंसेस हैं कि गलती है, और वो मटेरियल गलती है लेकिन परवेसिव नहीं है. ठीक है, सब चीज़ों को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, या फिर आपके पास एविडेंसेस ही नहीं है ये बताने के लिए कि गलती है या नहीं है, और एविडेंसेस नहीं होने के बाद भी वो परवेसिव नहीं है, सबको इम्पैक्ट नहीं कर रही. तो जहाँ इट इज़ नॉट परवेसिव तो आपका क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा. ठीक है, नाउ आपके पास एविडेंसेस हैं, इफेक्ट मटेरियल है एंड परवेसिव भी है. ठीक है, साथ में परवेसिव, अगर नॉट परवेसिव होगा तो क्वालिफाइड ओपिनियन है, अगर परवेसिव होगा देन उस केस में आप एडवर्स और डिस्क्लेमर देते हो. ठीक है, एडवर्स कब दोगे, जब आपका अफेक्ट जो है वो आपका मटेरियल और परवेसिव है, एंड प्लस साथ में आपके पास एविडेंसेस हैं ये बताने के लिए कि वो मटेरियल है और परवेसिव भी है. ठीक है, स्प्रेड हो रहा है और बार बार कंटिन्यू हो रहा है एवरी ईयर. ठीक है, उसको बोलते हैं परवेसिव. तो अगर परवेसिव है और आपके पास एविडेंसेस हैं ये बताने के लिए कि वो परवेसिव है, देन आप एडवर्स ओपिनियन दोगे. और अगर आपके पास परवेसिव है, मटेरियल है, लेकिन आपके पास एविडेंस ही नहीं है बताने के लिए, तो आप डिस्क्लेमर दोगे. ठीक है, समझ में आया. अगर नॉट परवेसिव है तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे, और अगर परवेसिव है तो आप एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन दोगे. ठीक है, अगर नॉट परवेसिव है तो आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, एविडेंसेस हैं नहीं हैं, ठीक है, उससे मैटर नहीं करेगा, आपको हमेशा क्वालिफाइड ओपिनियन देना है अगर परवेसिव नहीं है. बट इफ़ इट इज़ परवेसिव देन आप एडवर्स या डिस्क्लेमर रिपोर्ट दोगे. एडवर्स तब दोगे जब परवेसिव है और एविडेंसेस हैं, और डिस्क्लेमर तब दोगे जब परवेसिव है और आपके पास कोई एविडेंसेस नहीं है. ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन रीड करते हैं. द ऑडिटर शेल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि ऑडिटर ने जब एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है एंड ही इज कंक्लूडिंग दैट मिस स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट आर मटीरियल बट नॉट परवेसिव. ठीक है, जो भी मिस स्टेटमेंट्स हैं वो मटीरियल है बट दे आर नॉट परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और द ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन द एविडेंस. ठीक है, ऊपर था एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है, मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है. नाउ इफ ही इज अनएबल टू ऑब्टेन द एविडेंसेस ऑन विच बेस द ओपिनियन इज, मतलब जिस बेसिस पे उन्होंने ओपिनियन दिया है उसके रिगार्डिंग कोई एविडेंसेस नहीं मिला है, बट द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स इफ एनी कुड बी मटीरियल बट नॉट परवेसिव. ठीक है, अब एविडेंसेस तो मिले नहीं है ना, तो वो पूरा श्योर शॉर्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन उन एविडेंसेस जो नहीं मिले हैं तब भी ऑडिटर ये कंक्लूड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, जो मिस स्टेटमेंट अभी तक हमें पता नहीं चल पाई है क्योंकि हमारे पास एविडेंसेस नहीं थे, कि वो मटीरियल हो सकती है लेकिन परवेसिव नहीं होगी. ठीक है, इट कुड बी मटीरियल बट नॉट परवेसिव, तो देन ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा. नाउ एडवर्स ओपिनियन. एडवर्स ओपिनियन में द ऑडिटर शेल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ठीक है, जब उसको एविडेंसेस मिल गए हैं, हैविंग ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंक्लूड्स दैट द मिस स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट आर बोथ मटीरियल एंड परवेसिव. मटीरियल भी है एंड परवेसिव भी है. ठीक है, परवेसिव का मीनिंग अगर आपको लिखना है, आप बुक से पढ़ रहे हैं अगर, तो आप लिख सकते हैं कि स्प्रेडिंग एंड इन कॉन्टिन्यूएशन. ठीक है, कि स्प्रेड भी हो रहे हैं एंड प्लस कॉन्टिन्यू भी हो रहा है लॉन्ग टर्म तक. एंड देन हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं. डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में द ऑडिटर शेल डिस्क्लेम एन ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन विच to base the opinion and the auditor concludes that possible effects on the financial statements
of the undetected misstatements, if any, could be both material and pervasive. ना आपको जो वर्ड्स ध्यान रखने हैं आंसर में, अगर आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिला ही नहीं है तब आप अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एविडेंस ही नहीं है तो आपने मिसस्टेटमेंट्स अभी तक डिटेक्ट नहीं किए ना, तो आप एक एज्यूम कर रहे हो कि जो मिसस्टेटमेंट्स अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई हैं वो मटीरियल भी हो सकती हैं और परवेसिव भी हो सकती हैं. एंड अगर आपके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस है, इफ़ यू हैव ऑब्टेन्ड द एविडेंसेस, देन आप यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट मेंशन करोगे, क्योंकि नाउ यू हैव द एविडेंस कि आपके पास मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो रहा है. ठीक है, बाकी ये सेंटेंस आप बीच में कुछ भी बनाओ, आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको ये ही लिखना है जो आंसर में गिवन है. आपको लैंग्वेज आप अपने आप फ्रेम करो, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये वर्ड यूज़ करने हैं, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस, बोथ मटेरियल एंड परवेसिव. ठीक है, The auditor shall disclaim an opinion when in extremely rare circumstances involving multiple uncertainties, the auditor concludes that notwithstanding having obtained sufficient appropriate audit evidence regarding each of the individual uncertainties, it is not possible to form an opinion on the financial statements due to the potential interaction of the uncertainties and their possible cumulative effect on the financial statements. ठीक है, वो बोल रहा है और किस केस में डिस्क्लेमर देगा ऑडिटर कि बहुत रेयर सर्कमस्टांसेज हैं जहाँ पे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, कोई एक गड़बड़ नहीं है, बहुत सारी गड़बड़ है, एंड उनके रिगार्डिंग कोई आपके पास एविडेंसेस, कोई एविडेंसेस मिला है कि नहीं मिला, लेकिन वो जो आपकी अनसर्टेनिटीज़ हैं उन पे आप अपना ओपिनियन बना ही नहीं सकते हो. ठीक है, जो अनसर्टेनिटीज़ है और उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट आएगा सबका मिला के, वो इतना ड्रास्टिक इम्पैक्ट होगा कि आप उस पे कोई ओपिनियन फ्रेम ही नहीं कर पा रहे हो, बीट आपके पास एविडेंस है कि नहीं है. तो अगर कोई इतना ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, अगर इतना ड्रास्टिक इम्पैक्ट आ रहा है, तब भी आप अपने ओपिनियन को डिस्क्लेम करते हो व्हेन यू आर नॉट एबल टू गिव एनी ओपिनियन, कि आप बता ही नहीं पाओगे कि क्या है क्या नहीं. नॉट विदस्टैंडिंग एनी एविडेंस ऑब्टेंड, नॉट विदस्टैंडिंग अगर इवन आपके पास कोई एविडेंस है तब भी. तो यहाँ पर हमारा तीन टाइप का ओपिनियन ख़त्म होता है. वापस एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास तीन टाइप के ओपिनियंस हैं. यहाँ देखते हैं, वन इज़ क्वालिफाइड, वन इज़ एडवर्स एंड वन इज़ डिस्क्लेमर. ठीक है, क्वालिफाइड में जब भी नॉट परवेसिव होगा तो आपका हमेशा क्वालिफाइड रिपोर्ट जाएगी कि वो नॉट परवेसिव है, वेदर आपके पास एविडेंसेस अवेलेबल हैं या आपके पास एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है. ठीक है, दोनों केस में अगर नॉट परवेसिव है तो हमेशा क्वालिफाइड जाएगी. नाउ एडवर्स और डिस्क्लेमर कब जाता है, जब आपके पास जो भी एविडेंसेस हैं कि नहीं वो परवेसिव है, जो भी इम्पैक्ट आ रहा है वो परवेसिव है, स्प्रेडिंग है एंड इन कॉन्टिन्यूशन में है कि बार बार हो रहा है और हर लेवल पर स्प्रेड हो रहा है. नो परवेसिव है तो आप क्वालिफाइड रिपोर्ट तो दे नहीं सकते, तो आप एडवर्स या डिस्क्लेमर दोगे. तो अगर आपके पास एविडेंसेस हैं कि आपका जो इम्पैक्ट आएगा वो परवेसिव है और मटेरियल है, तो उस एविडेंसेस के बिहाफ पे अगर आप बोल रहे हो तो आप एडवर्स रिपोर्ट दोगे, और अगर आपके पास एविडेंसेस नहीं है कंक्लूड करने के लिए तो आप डिस्क्लेमर रिपोर्ट दोगे. ठीक है, कि आपके पास कोई एविडेंसेस नहीं है लेकिन आप प्रोबेबल बेसिस पे बता रहे हो, जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं जो अभी अकर नहीं हुई हैं, दोज मिसस्टेटमेंट्स कुड बी मटेरियल और परवेसिव, कि वो हो सकती हैं मटेरियल या परवेसिव. ठीक है, तो उस केस में आप डिस्क्लेमर दोगे जब आपके पास एविडेंस नहीं है, और एविडेंस है और परवेसिव है तो आप एडवर्स रिपोर्ट दोगे, एंड अगर आपके पास नॉट सो परवेसिव है तो आप क्वालिफाइड दोगे. ये मैं इतनी बार इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है और उनको समझ में नहीं आता कि हमें कब क्या रिपोर्ट करना है, कब कौन सा ओपिनियन देना है. ठीक है, इसलिए ये पर्टिकुलर आंसर मैंने इतनी बार रिपीट किया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चैप्टर कर लेते हैं लेकिन उनको यही समझ में नहीं आता कि हमें ओपिनियन कब कौन सा देना है. तो नाउ इफ़ यू आर डूइंग स्टैंडर्ड्स क्वेश्चंस आल्सो, तो वहाँ पर भी अगर आपको ओपिनियन देना होगा तो आपको ये सब कंडीशंस चेक करनी होगी कि परवेसिव है कि नहीं है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंड वेदर यू हैव ऑब्टेन्ड द एविडेंसेस और नॉट. राइट, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. X Limited closed its manufacturing operations and sold all its manufacturing fixed assets during the financial year ended 31st March 2016. However, it intends continue its operations as a trading company.
ठीक है, एक्स लिमिटेड जो है उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन बंद कर दिया है एंड अपने सारे फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2016। ठीक है, लेकिन वो अब अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करने के बाद नाउ ही इंटेंड्स टू स्टार्ट द ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद कर रहा है लेकिन वो अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर फिक्स एसेट्स जो भी एसेट्स बच गए हैं, द कंपनी कैरिड आउट द फिजिकल वेरिफिकेशन एज एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2016। जो भी एसेट्स बच गए थे सारे सेल करने के बाद उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कैरी आउट हुआ ऑन 31 मार्च 2016 एंड फाउंड अ मटीरियल डिस्क्रिपेंसी टू द ट्यून ऑफ 1 लाख। ठीक है, 1 लाख की उसमें गड़बड़ मिली विच वॉज रिटन ऑफ एंड इज डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, काइंडली इनकॉर्पोरेट द अबव इन योर ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, जो एसेट्स बेच दिए थे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करके, देन उसने ऑपरेशन स्टार्ट किया ट्रेडिंग कंपनी का एंड जो फिक्स एसेट्स बचे उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कैरी आउट हुआ एंड उसमें पता चला कि 1 लाख की गड़बड़ है जिसको राइट ऑफ कर दिया और अलग से डिस्क्लोज भी कर दिया इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो अब हमें इसको ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। नाउ डिस्क्लोजर इन द ऑडिट रिपोर्ट क्या जाएगा, एस ए 570 है जो गोइंग कंसर्न को डील करता है। यहाँ पर वो बोल रहा है उसने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपना पूरा बंद कर दिया है एंड अपने जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फिक्स एसेट्स थे, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फिक्स एसेट्स उसने सेल किए हैं। ठीक है, बाकी कुछ और जो उसको ट्रेडिंग में भी काम आएंगे वो एसेट्स अभी सेल नहीं हुए हैं। तो 570 का यहाँ पर इम्पैक्ट आएगा बिकॉज उसने अपना एक बिजनेस बंद किया है। व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द यूज़ ऑफ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज़ अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस बट अ मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, द ऑडिटर शैल डिटरमिन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि जब भी गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट है लेकिन कुछ मटीरियल अनसर्टेनिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ऑडिटर डिटरमिन करेगा वेदर द जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वेदर दे एडिक्वेटली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड मैनेजमेंट्स प्लान टू डील विद दीज इवेंट्स और कंडीशंस। ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप प्रॉपर इवेंट्स डिस्क्राइब करोगे कि कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनकी वजह से यू हैव अ डाउट कि आपका जो एंटिटी है वो कंटिन्यू करेगा एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, एंड मैनेजमेंट कैसे प्लान कर रही है इसको डील करने के लिए कि आपका जो भी इवेंट्स हैं जिसकी वजह से आपका गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट हो रहा है तो आप कैसे डील करोगे, मैनेजमेंट कैसे डील करेगा। नाउ सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि डिस्क्लोज क्लियरली दैट देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, और अगर जो भी इवेंट्स हैं या कंडीशंस हैं जिनकी वजह से मटीरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है कि जिनकी वजह से पक्का आपका गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट होगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रहा है, तो आपको वो सारी चीज़ें भी डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, ऊपर आप इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हो कि ये इवेंट्स हैं जिनकी वजह से आपका गोइंग कंसर्न में डाउट आ रहा है और उन सबको मैनेजमेंट कैसे डील कर रहा है। नेक्स्ट में आप क्लियरली बताओगे कि क्या क्या मटीरियल अनसर्टेनिटीज़ हैं, ठीक है, उन इवेंट्स से रिलेटेड। ऊपर आप इवेंट्स डिस्क्राइब कर रहे हो कि कौन कौन से इवेंट्स हैं, नीचे आप उन इवेंट्स से रिलेटेड अनसर्टेनिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, दोनों पॉइंट्स आपको सिमिलर लग रहे होंगे, कन्फ्यूज़ मत होना। ऊपर आप इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हो जिनकी वजह से गोइंग कंसर्न में डाउट आ रहा है एंड प्लस मैनेजमेंट उससे कैसे डील कर रहा है। सेकेंड पॉइंट में आप अनसर्टेनिटीज़ बता रहे हो इवेंट्स की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से आपका गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पे ऐसे 570 का रेफरेंस इसलिए दिया है क्योंकि उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बंद कर दिया है। ठीक है, तो आपका एक प्रॉपर बिजनेस बंद हो रहा है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 570 में कि गोइंग कंसर्न तो इम्पैक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, नाउ द ऑडिटर इज़ फर्दर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफिकली इंक्लूड सर्टेन मैटर्स एज पर कारो 2016 अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1B ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो। ठीक है, जो क्लॉज 1 है हमने जो आपने अगर जिन्होंने समरी की होगी तो हमने क्लॉजेस लर्न करने के लिए शॉर्टकट बनाया था फाइल आईडी सीएसडी पीएफ एमएनआर पीएनआर। ठीक है, फाइल आईडी सीएसडी पीएफ एमएनआर
PNR. तो फाइल आईडी में फर्स्ट था हमारा F, F इज़ फॉर फिक्स एसेट्स, ठीक है. तो हमारा फर्स्ट क्लॉज ही है फिक्स एसेट्स का. फिक्स एसेट्स का पार्ट वन, क्लॉज वन का बी पार्ट बोलता है पैरा थ्री ऑफ कारो का कि द ऑडिटर हैज़ टू कमेंट वेदर द फिक्स एसेट्स हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स, वेदर एनी मटीरियल डिस्क्रिपेंसी वर नोटिस्ड ऑन सच वेरीफिकेशन, एंड इफ सो वेदर द सेम हैव बीन प्रॉपरली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कि अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी आई है तो आपने उसको प्रॉपरली अपने अकाउंट्स में डील किया है, बुक्स में डील किया है कि नहीं किया, ठीक है. नाउ अभी तक हमने लॉ बता दिया कि ये लॉ है 570 गवर्न हो रहा है यहाँ पे बिकॉज यूनिट सेल हुआ है. फर्दर उसको कारों में रिपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज फिक्स एसेट्स का फिजिकल वेरीफिकेशन कैरी आउट हुआ है, ठीक है. ये हमने लॉ बता दिया. आंसर्स हमेशा इस तरीके से ही चलते हैं ना कि सबसे पहले आप प्रोविजन बताते हो, देन आप प्रेजेंट केस बताते हो, देन आप कंक्लूड करते हो, ठीक है. नाउ इन द गिवन केस एक्स लिमिटेड हैज़ सोल्ड आउट इट्स मैन्युफैक्चरिंग फिक्स एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर, हाउएवर इट इंटेंड्स टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस एज अ ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है. दो उसने अपने सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग फिक्स एसेट्स बेच दिए हैं लेकिन फिर भी वो एज अ ट्रेडिंग कंपनी अभी कंटिन्यू करेगा. Therefore, selling of manufacturing fixed assets does not affect the going concern assumption of the company. ठीक है, यहाँ पर उसने manufacturing fixed assets sell किए जिसकी वजह से एक event create हुआ कि आपको going concern assumptions पे doubt आने लगा कि whether the company is going to continue or not. But वो उसको as a trading company continue कर रहा है तो उसका business अभी बंद नहीं हुआ है, going concern affect नहीं हुआ है, अभी उसकी company चलती रहेगी, ठीक है. तो मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स फिक्स एसेट सेल करना डज नॉट अफेक्ट द गोइंग कंसर्न अजम्पशन ऑफ द कंपनी. एडिशनली वाइल कैरिंग आउट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द फिक्स एसेट्स द मटीरियल डिस्क्रिपेंसी टू द ट्यून ऑफ 1 lakh वॉज फाउंड विच वॉज रिटन ऑफ एंड डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हैंस दिस फैक्ट नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट एज फॉलोज, ठीक है. जो मटीरियल डिस्क्रिपेंसी आई थी 1 lakh रुपीज़ की फिक्स एसेट्स के वेरीफिकेशन में, उसको ड्यूली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपोर्ट कर दिया गया है. तो अब इस पर्टिकुलर फैक्ट को आप ऑडिट रिपोर्ट में कैसे दिखाओगे? ऑडिट रिपोर्ट में जो पैराग्राफ इंक्लूड होगा वो होगा, वी हैव मेड आर व्यू पॉइंट फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द गाइडेंस ड्रॉन फ्रॉम AS1. AS1 इज द अकाउंटिंग पॉलिसीज का AS, कि आप क्या पॉलिसी मेंटेन कर रहे हो कंपनी में, ठीक है. गोइंग कंसर्न की क्या पॉलिसी है, आप कैसे कैसे क्या क्या डील करते हो इवेंट्स को, ठीक है. नाउ एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज द एंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यूड एज अ गोइंग कंसर्न दैट इज एज कंटिन्यूइंग इट्स ऑपरेशंस फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, ठीक है. एक नियर फ्यूचर में आपका बिजनेस बंद नहीं होने वाला है, आप उसको कंटिन्यू करोगे, यह पॉलिसी आपको फॉलो करनी पड़ती है. It is assumed that the enterprise has neither the intention nor the necessity of liquidation or of curtailing materially the scale of its operations. ठीक है, ना तो यहाँ पर enterprise की intention है अपने business को कम करने की, liquidation करने की, और ना अपने operations को कम कर रहा है. Although the company has disposed of the manufacturing fixed assets during the financial year ending 31st March 2016, इट इज़ स्टिल अ गोइंग कंसर्न इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेडिंग कंपनी. एसेट्स बेचने के बाद भी वो अभी भी ट्रेडिंग कंपनी है. वी ऑल्सो रिपोर्ट दैट ऑन फिजिकल वेरीफिकेशन ऑफ अदर फिक्स एसेट्स अ मटीरियल डिस्क्रिपेंसी टू द ट्यून ऑफ 1 lakh वॉज नोटिस, ठीक है. पहले गोइंग कंसर्न वाली बात बोल दी कि दो फिक्स एसेट्स बेच दिए हैं लेकिन अभी भी वो ट्रेडिंग कंपनी है. नाउ जब वेरीफिकेशन किया फिक्स एसेट्स का तो 1 lakh का डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुआ एंड द सेम हैज़ बीन प्रॉपरली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है. पर्टिकुलरली क्वेश्चन में मेंशन है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने उसको डील कर लिया है, तो आप रिपोर्ट में भी मेंशन करोगे दैट द सेम हैज़ बीन प्रॉपरली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक. क्वेश्चन में अब दो तीन चीज़ें हैं देखने वाली कि आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे 560 का क्वेश्चन में रेफरेंस नहीं गिवन था. उन्होंने ये तो पूछ लिया था कारों में कैसे रिपोर्ट करना है, तो फिक्स एसेट्स आपको देख के वेरिफिकेशन देख के ये तो समझ आ जाएगा, ठीक है, कि कारों में फिक्स एसेट वेरिफिकेशन की रिपोर्टिंग होगी. लेकिन आपको गोइंग कंसर्न का यहाँ पर खुद से चेक करना होगा, खुद से जज करना होगा. आपको आगे भी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, कंपनी ऑडिट भी करेंगे और कुछ भी करेंगे, तो यू विल नोटिस कि उन्होंने क्वेश्चन में बस एक सिचुएशन दे दी है. उस सिचुएशन पे आपके जितने भी ऐसे एप्लीकेबल हैं, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं, जो भी पॉलिसीज एप्लीकेबल हैं, आपको कारों में अगर रिपोर्टिंग करना है, कंपनीज एक्ट का कोई सेक्शन एप्लीकेबल है, तो वो सारा आपको आंसर्स में लिखना पड़ेगा,
ठीक है, वेदर पर्टिकुलरली क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि नहीं है। तो पेपर में जो ऑडिट में मार्क्स करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि आप क्या करते हो, एक सिचुएशन को चेक किया कि ये सिचुएशन है, आप उसका आंसर फ्रेम करके लिख देते हो, जबकि ना आप किसी ऐसे का रेफरेंस देते हो, ना किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस देते हो और ना किसी पॉलिसीज़ का या क्लॉजेस का रेफरेंस देते हो। ठीक है, दो आपका आंसर कंक्लूजन ठीक है कि ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन आपने कहीं भी किसी भी चीज़ का रेफरेंस नहीं दिया है कि ऐसा कहाँ लिखा है, क्यों लिखा है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का अभी आप क्वेश्चंस करोगे। हम तीन चैप्टर्स बैक टू बैक टेकअप करेंगे, वन इज़ दिस ऑडिट रिपोर्ट एंड कंपनी ऑडिट एंड फिस्कल लॉज। ठीक है, तो आप इसके आंसर्स एकदम ध्यान से देखना। कंपनी ऑडिट के भी हम करेंगे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5-5 मार्क्स के 2-3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो कंपनी ऑडिट का भी अप्रॉक्सीमेटली 10-15 मार्क्स का वेटेज कवर हो जाता है टाइम्स। तो उसके क्वेश्चंस और आंसर्स की फॉर्मेशन देखना एंड समझने की कोशिश करना कि कैसे लिखा होता है, ताकि आपको पेपर में वही आपका माइंडसेट रहे। प्लस अगेन आई एम सेइंग कि आपको रिटर्न प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है। आप जब तक क्वेश्चंस 2-3 आंसर्स हाथ से नहीं लिखोगे आपको पेपर में फ्लो नहीं आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, 15 मिनट्स भी नहीं लगेंगे आपको, मैक्सिमम 20 मिनट्स लगेंगे। 10 मिनट्स ले लो एक आंसर लिखने के लिए, टेक आउट 20 मिनट्स डेली एंड राइट ओनली 2 आंसर्स। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप बैठ के पेपर सॉल्व करो, ओनली राइट 2 आंसर्स पर डे। ठीक है, ज़्यादा हो रहा है तो एक दिन में 3 लिख लो और अल्टरनेट डेज लिख लो, एक दिन बीच में स्किप कर दो, एटलीस्ट कुछ प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज़ सबमिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 फॉर ऑडिट। The audit assistant observes and bring to your notice the company's records show following dues. ठीक है, XYZ private limited है, उसने अपने financial statements submit किए हैं audit के लिए, and जो audit assistant है आपका उसने observe किए कि ये dues अभी pending है। ठीक है, जिसमें से first है income tax relating to assessment year 2012-13, ये 16 का audit है और ये previous year का assessment जो हुआ था उसमें आपके 125 लाख रुपए pending है, and the appeal is pending before honorable ITAT since 2014, ठीक है, 2014 से ITAT में pending है appeal। कस्टम ड्यूटी है 85 लाख का, डिमांड नोटिस रिसीव हुआ था 2015 में, बट कोई एक्शन नहीं लिया है उसके अगेंस्ट पे करने के लिए, एंड कोई अपील भी नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, 15 सितंबर 2015 इसी पर्टिकुलर ईयर में फॉल करेगा, 2015-16 में ही फॉल करेगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स असेसमेंट था जिसके लिए अपील पेंडिंग है आपकी ITAT के आगे, और सिंस 2014 से पेंडिंग है, यानी 2 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली हो गए, एंड असेसमेंट ईयर भी पुराना है जिसको वो बिलोंग करता है, एंड कस्टम ड्यूटी जो है 85 लाख की उसके अगेंस्ट डिमांड नोटिस आया है लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है एंड कोई भी अपील भी फाइल नहीं हुई है। तो आप इस एज एन ऑडिटर आप इस मैटर को कैसे डील करोगे और आप इस मैटर को पर्टिकुलरली मेम्बर्स के सामने कैसे लिख रहोगे। ठीक है, तो देखते हैं। As per SA 250, consideration of laws and regulations in an audit of financial statements, it is responsibility of the management with the oversight of those charged with the governance to ensure that the entity's operations are conducted in accordance with the provisions of the laws and regulations, including compliance with the provisions of the laws and regulations that determine the reported amounts and the disclosure in an entity's financial statements. ठीक है, SA 250 बोलता है कि एक ऑडिट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब भी ऑडिट हो रहा है तो ऑडिटर हैज़ टू चेक दैट प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड अलॉन्ग विद दोज चार्ज विद द गवर्नेंस टू इंश्योर दैट एंटिटीज ऑपरेशंस आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग विद द लॉज एंड प्रोविजंस प्रिवेलिंग। ठीक है, एंड द रेगुलेशंस आर फॉलोड प्रॉपरली, एंड इफ नॉट फॉलोड देन अमाउंट हैज़ टू बी रिपोर्टेड, एंड द फोरम इन विच द केस लॉ इज पेंडिंग दैट ऑल्सो हैज़ टू बी रिपोर्टेड एज पर द कारो। ओके, तो हमें बेसिकली चेक करना होता है कि सारे लॉज एंड रेगुलेशंस प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, एंड आपको कंप्लाइंस चेक करना होगा सो दैट आपको एक अमाउंट पता चले, रिपोर्टेड अमाउंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितना अमाउंट हमें रिपोर्ट करना है फॉर द नॉन कंप्लाइंस।
ठीक है, द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग द रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेकन एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर. ठीक है, जब भी आपको मिसस्टेटमेंट्स की बात आएगी कि आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ चेक करनी है, तो यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस दैट द ऑडिटर हैज़ टू ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेकन एज अ होल, कि हमें एक रीजनेबल लेवल पे एक अश्योरेंस है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें कोई फ्रॉड या एरर नहीं है, कोई पर्टिकुलरली मिसस्टेटमेंट नहीं है जो फ्रॉड या एरर की वजह से अकर हो रही है. In conducting an audit of financial statements, the auditor takes into account the applicable legal and regulatory framework. Owing to the inherent limitations of an audit, there is an unavoidable risk that some material misstatements in the financial statements may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with the SA. ठीक है, कुछ कुछ लिमिटेशंस होती हैं कंपनी में कि अगर हम प्रॉपरली स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो कर रहे हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो कर रहे हैं, एंड इवन इफ वी आर कंप्लाइंग विद द लॉज एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली, देन ऑल्सो इट मे बी पॉसिबल दैट यू मे नॉट एबल टू डिटेक्ट सम एरर्स. राइट, बिकॉज इतनी कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, इतना कम्प्लेक्स लेवल पे काम होता है कि इट मे बी पॉसिबल कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, जान पूछ के कोई चीज़ छुपाई जा रही है आपसे, आपको अगर डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे हैं, अगर मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो दीज आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस दैट यू कांट जज वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट. ठीक है, ये आपको अनअवॉइडेबल रिस्क है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो. अगर आपको कोई चीज़ छुपाई जा रही है, इतना बुरे तरीके से मैनिपुलेट किया गया है दैट यू आर नॉट एबल टू चेक वेदर द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स और नॉट, तो उस केस में अनअवॉइडेबल रिस्क है. ये एक आपकी लिमिटेशन है, अपने आप में ही एक लिमिटेशन है जिसको आप प्रॉपरली डील नहीं कर सकते हो. ठीक है, इवन इफ़ आप प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो, इवन इफ आप प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो. So, if the auditor concludes that the non-compliance has a material effect on the financial statements and has not been adequately reflected in the financial statements, the auditor shall express a qualified or adverse opinion on the financial statements. ठीक है, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि जो नॉन कम्प्लायंस है उसकी वजह से कोई मटेरियल इफेक्ट आ रहा है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, देन ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, कोई मटेरियल इफेक्ट है एंड एडिक्वेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने शो नहीं किया है, तो या तो क्वालिफाइड होगा या एडवर्स होगा, और क्वालिफाइड या एडवर्स के लिए मैंने आपको बताया था परवेसिवनेस चेक करोगे. ठीक है, कि उसका इम्पैक्ट कितना किस लेवल पे आ रहा है. नाउ लॉज फॉलो नहीं हो रहे हैं तो आपको कारों में भी रिपोर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, एंड प्रॉपर प्रोविजंस भी बनेंगे उसके रिगार्डिंग, जो भी आपका डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो भी फर्दर आपका अपील या डिमांड की वजह से लाइबिलिटी आ सकती है. ठीक है, फर्दर द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन सर्टेन मैटर्स स्पेसिफाइड इन द पैरा 3 ऑफ कारो 16. जो भी क्लॉजेज है कारों पे रिपोर्ट करने के, दैट इज गिवन इन द पैराग्राफ 3. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पैरा 3 ऑफ कारो 16 अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट. ठीक है, क्लॉजेस को लर्न करने का आपको शॉर्टकट बताया है मैंने, तो आप उस शॉर्टकट से लर्न करना, आपको बहुत ईजीली लर्न हो जाएंगे, एंड दैट शॉर्टकट इज गिवन इन माई समरी वीडियो. ओके, one of such matter is non-payment of dues to government on account of any dispute. ठीक है, matters जो आप कारों में report करते हो उनमें से एक matter ऐसा है कि आपको अगर कोई dispute हो गया है तो आपने government के dues अभी तक pay नहीं किए हैं. ठीक है, as per clause 7 of part B of part para 3 of caro 16, in case dues of income tax or sales tax or service tax अब नहीं है तो आप ये चीज़ mention नहीं करोगे, excise भी mention नहीं करोगे, value added tax भी mention नहीं करोगे, either write GST instead of these. Okay, और sales tax भी अब नहीं है. Income tax, goods and services tax and duty of customs have not been deposited on account of any dispute, then the amount involved and the forum in which the dispute is pending shall be mentioned. ठीक है, हमने समरी में पॉइंट्स कवर कर चुके हैं कि आपको किस क्लॉज में क्या लिखना होता है. तो आपको यहाँ पे अमाउंट बताना है कि कितना आपका ड्यू है, प्लस कौन से फोरम में आपका केस पेंडिंग है. ठीक है, और क्लॉज 7 कैसे आया आपका, हमने जो शॉर्टकट किया था, दैट इज़ फाइल आईडी, फाइल इज़ FIL, देन आईडी, देन CSD. सो CSD का S इज़ फॉर स्टार्ट ड्यूज़, कि अगर आपके स्टार्ट ड्यूज का पेमेंट नहीं हुआ है तो देन CSD, S इज़ कमिंग ऑन द 7th नंबर, राइट.
ठीक है. इन द प्रेजेंट केस देयर इज इनकम टैक्स डिमांड ऑफ 125 लाख एंड द कंपनी हैज़ गॉन फॉर एन अपील. इट नीड्स कंसिडरेशन एज टू वेदर द इंटायर डिमांड इज डिस्प्यूटेड बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिज्यूम दैट द डिमांड बाई इनकम टैक्स अथॉरिटीज विदाउट एनी बेसिस. ठीक है. अब प्रेजेंट केस में इनकम टैक्स की डिमांड आई है हमारे पास 125 लाख की एंड कंपनी जो है उस कंपनी ने अपील किया है कि इट नीड्स अ कंसिडरेशन एज टू वेदर द इंटायर डिमांड इज डिस्प्यूटेड. ठीक है. जो सारा का सारा डिमांड का अमाउंट आया है क्या वो सारा का सारा डिस्प्यूटेड है या फिर कुछ अमाउंट डिस्प्यूटेड है, कुछ गलती से निकल आया है. ठीक है. और हम मान के चलेंगे कि सारा का सारा अमाउंट डिस्प्यूटेड है बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिज्यूम दैट डिमांड बाई इनकम टैक्स अथॉरिटीज इज विदाउट एनी बेसिस. ठीक है. हम ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है आपको 125 लाख पे करना है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिना किसी बेसिस के बोला होगा. दे मस्ट बी हैविंग सम एविडेंसेस एंड दे मस्ट हैव डन सम कैलकुलेशंस एंड अकॉर्डिंगली दे हैव कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ 125 लाख. ठीक है. Therefore, as per AS 29, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस आ रहा है यहाँ पे. मैंने आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो जो मैक्सिमम चीज़ें एप्लीकेबल है, यू आर द ऑडिटर, तो आपको ओवरऑल बेसिस पे देखना है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप उसको कैसे रिपोर्ट करोगे एंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाउ यू डील विद द पर्टिकुलर करंट सिचुएशन. ठीक है. नाउ एज पर AS 29 प्रोविजन्स कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स partly to the extent the company considers that the demand is based on some logical basis, that amount may be provided for and the remaining may be disclosed as the contingent liability. ठीक है. वो बोल रहा है कि यहाँ पर आपने बोला कि आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि इनकम टैक्स के पास कोई बेसिस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कंपनी सोचती है कि कुछ लॉजिकल बेसिस पे उसने कि कंपनी को पता है कि उसने ये गड़बड़ किया है जिसकी वजह से लेटर ऑन उसके पास 50 लाख का डिमांड आ सकता था, तो कंपनी नोज दैट 50 लाख इज़ ऑन सम लॉजिकल बेसिस जो उनको पे करना पड़ेगा अल्टीमेटली. ठीक है. तो दैट अमाउंट उसका वो प्रोविजन बनाएंगे बिकॉज उनको पता है कि वो लॉजिकल बेसिस पे है और जो अपील फाइल की है उसका जब रिजल्ट आएगा तो आपको वो लॉजिकल बेसिस वाला अमाउंट पे करना पड़ेगा बिकॉज आपको पता है कि आपने वो गड़बड़ किया था. लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा डिमांड इनकम टैक्स अथॉरिटी ने और निकाल दी है जिसका आपको रीजन ही नहीं पता कि विदाउट एनी लॉजिकल बेसिस की पता नहीं क्यों उन्होंने डिमांड निकाली है एंड फॉर दैट यू हैव गोन फॉर एन अपील, तो आप उसको अभी प्रेजेंटली कंटिजेंट लाइबिलिटी में शो करोगे. ठीक है. हम बैंक ऑडिट एंड ऑल का प्रैक्टिस मैनुअल कर चुके हैं, आपको बेसिकली कंटिजेंट लाइबिलिटी का मैंने मीनिंग बता दिया था, तो मैं ये सब टर्म्स अब बार बार हर चैप्टर में टेकअप नहीं करूँगी. ठीक है. तो आप उसको कंटिजेंट लाइबिलिटी में दिखाओगे बाकी का जो भी अमाउंट बचा है एंड फर्दर इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस टू द मेम्बर्स बाय रिपोर्टिंग. ठीक है. और बाकी आप ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है आप मेम्बर्स को बताओगे, उनको रिपोर्ट करोगे. ठीक है. इन अ मीटिंग, जो भी मीटिंग कंडक्ट होगी. And additionally, the demand notice have been received for custom duty for 85 lakhs. Custom duty का जो 85 lakh का demand notice आया है जो financial year के end में outstanding है उसके regarding अभी कोई action नहीं लिया गया है by the management and it should also be brought to the notice of the members. ठीक है. ना तो management कोई action लिया है, हम ना तो dispute में है, ना pending है किसी forum में, ना appeal गई है, अभी सिर्फ demand आई है और year end पे outstanding है, तो maybe company pay कर दे next 6 months में. ठीक है. तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको डील करोगे. अभी प्रेजेंटली इसको आपको रिपोर्ट करने की कहीं ज़रूरत नहीं है बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर ही आपके पास डिमांड आई है. ठीक है. तो अभी इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला है एंड ना अपील में गया है, ना आपको ये बताने की ज़रूरत है कि कहाँ पेंडिंग है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ भी आप बस मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दोगे आपको कहीं पर अपील नहीं किया और कुछ कहीं पर रिपोर्ट नहीं करना है. ठीक है. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4A पार्ट. OK Limited has taken a term loan from a nationalized bank in 2011 for 200 lakhs, repayable in 5 equal installments of 40 lakhs from 31st March 2012 onwards. ठीक है. OK Limited ने बैंक से लोन लिया है. नेशनलाइज्ड बैंक का मीनिंग भी मैं आपको बैंक ऑडिट में बता चुकी हूँ कि what are the difference between nationalized bank and public sector banks. नाउ 2011 में लोन लिया है 200 लाख का जो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रीपेबल है एंड जो इंस्टॉलमेंट्स है दोज आर ऑफ 40 लाख ईच. इट हैड रीपेड द लोन्स ड्यू इन 2012 एंड 2013 बट डिफॉल्टेड इन 2014, 15, 16. 5 इंस्टॉलमेंट्स है, दो पे हो गई है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में डिफॉल्ट है. As the auditor of OK Limited, what is your responsibility assuming that the company has sought rescheduling of the loan?
ठीक है, इसमें ऑडिट एज एन ऑडिटर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड ये जो 3 इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करी है इस टाइम पे, जो ओके लिमिटेड है कंपनी ने बैंक को बोला है कि आप मेरा लोन रीस्केड्यूल कर दो, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड एंड ऑल मॉडिफाई किया होगा एंड उसके अकॉर्डिंग रीस्केड्यूल हुआ है. नाउ एज पर द शॉर्टकट्स जो हमने किए थे ऑडिट रिपोर्ट में, फाइल आईडी सीएसडी पीएफ एमएनआर पीएनआर, दीज आर ऑल द क्लॉजेस, फाइल आईडी सीएसडी पीएफ एमएनआर पीएनआर. नाउ फाइल आईडी सीएसडी, ठीक है, सीएसडी का जो लास्ट में डी है, फाइल एफ आई एल आईडी आईडी 5 हो चुके हैं आपके क्लॉजेस, देन सीएसडी 6 7 8, डी इज़ फॉर डिफॉल्ट, ठीक है. अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट करते हो ड्यूज रीपेमेंट में, आपने कोई लोन लिया है, अगर आप कुछ भी डिफॉल्ट करते हो तो वो आपका डिफॉल्ट कवर होगा क्लॉज नंबर 8 में, ठीक है. जो कि हमें क्लॉज नंबर 8 कैसे पता चला, फाइल आईडी सीएसडी, सीएसडी का डी इज़ डिफ़ॉल्ट. नाउ अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है तो आपको क्लॉज 8 में रिपोर्ट करना पड़ेगा कारों के. रिपोर्टिंग फॉर द डिफॉल्ट एंड रीपेमेंट ऑफ ड्यूज एज पर द क्लॉज 8 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2016, द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज़ टू रिपोर्ट वेदर द कंपनी हैज़ डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ इट्स ड्यूज टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक और डिबेंचर होल्डर्स, एंड इफ येस द पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज टू बी रिपोर्टेड, ठीक है. अंडर दिस क्लॉज ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि क्या कंपनी ने कुछ रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, बैंक हो या फिर कोई डिबेंचर होल्डर्स हो, उनको कुछ भी अगर आपको पे करना है, अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो आपको पीरियड बताना है कि डिफॉल्ट कितने पीरियड से कंटिन्यू हो रहा है, एंड अमाउंट बताना है कि कितना अमाउंट का डिफॉल्ट है. ओके, इन दिस केस ओके लिमिटेड हैज़ डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ ड्यूज फॉर द 3 ईयर्स, 2 साल की इंस्टॉलमेंट वो पे कर चुका है, 3 साल का पेंडिंग था. एप्लीकेशन फॉर रीस्केड्यूलिंग विल नॉट चेंज द डिफॉल्ट पोजिशन, ठीक है. क्वेश्चन में गिवन था कि उसने लोन को रीस्केड्यूल कराया है, तो रीस्केड्यूल की वजह से हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. अगर आपने रीस्केड्यूल भी किया है तब भी आपने 3 साल का डिफॉल्ट किया है, ठीक है, उसके बाद ही आप रीस्केड्यूल करवा रहे हो तो आपको डिफॉल्ट तो तब भी रिपोर्ट करना है. Hence, the auditor has to report in his audit report that the company has defaulted in its repayment of dues to the bank to the extent of 120 lakhs. 120 lakhs ka default kaise aaya? 200 ka total amount tha hamara, jisme se 2 installments 40-40 ki pay kar chuke hain. Theek hai? To 200 minus 80 is equal to 120. ठीक है, तो आपका 120 का डिफॉल्ट है, 120 लाख का, जो कि आपको रिपोर्ट करना है. नाउ बी पार्ट, बिग एंड स्मॉल लिमिटेड रिसीव्ड अ शो कॉज नोटिस फ्रॉम सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट इंटेंडिंग टू लेवी अ डिमांड ऑफ 25 लाख इन दिसंबर 15. द कंपनी रिप्लाई टू द अबव नोटिस इन 2016 कंटेंडिंग दैट इट इज़ नॉट लाइबल फॉर द लेवी. No further action was initiated by the Central Excise Department upon the finalization of the audit for the year ended 16. As the auditor of the company, what is your role in this? Now, ये particularly excise के बारे में पूछ रहा है, ठीक है. वैसे तो ये excise का question है, लेकिन इसमें आपको change करके भी दे सकते हैं, right? Same question को अगर आपको custom करके आ गया या फिर GST करके आ गया तो आपको confuse नहीं होना है. और हम एक बार answer go through कर लेते हैं. Excise का question है तो it may be possible कि ये same questions तो ना आए, लेकिन condition same हो सकती है और आपको कोई और tax यहाँ पर incorporate करके दिया जा सकता है except excise, ठीक है. तो यहाँ पर जो कंपनी है उसको शो कॉज नोटिस रिसीव हुआ है डिपार्टमेंट से, जिसमें डिमांड आई है 25 लाख की, एंड कंपनी ने नोटिस को रिप्लाई किया कि वो लायबल नहीं है इस पर्टिकुलर 25 लाख की डिमांड के लिए. तो डिपार्टमेंट ने फर्दर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, एंड जब फाइनलाइजेशन किया अकाउंट्स का तो ऑडिटर एज एन ऑडिटर आपका क्या रोल है, ठीक है. डिमांड आई, आपने रिप्लाई किया कि हम लायबल नहीं हैं डिमांड पे करने के लिए, और उस नोटिस में जो आपने लिखा कि हम लायबल नहीं हैं, डिपार्टमेंट का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है और आपने अकाउंट्स फाइनलाइज कर दिए हैं, तो एज एन ऑडिटर आपका क्या रोल है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा होगा तो हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, बिकॉज लायबिलिटी आई है. अभी हमने बोला है कि हम लायबल नहीं हैं, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि बाद में हमें बोला जाए कि आप पे करो, ठीक है. और बाकी स्टार्ट ड्यूज़ हैं, स्टार्ट ड्यूज़ पेंडिंग है, अगर गवर्नमेंट आपसे मांग रही है, अगर आपने कोई ड्यूज़ पेंडिंग है तो आपको वो भी बताना होगा,
ठीक है, प्लस आपको SA 250 में भी रिपोर्ट करना होगा। SA 250 बोलता है कि आपको लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर आपने किसी लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं किया है तो स्टैंडर्ड 250 में भी आपको रिपोर्ट करना होगा। एज पर 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दोज लॉज एंड रेगुलेशंस जनरली रिकॉग्नाइज टू हैव अ डायरेक्ट अफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड लेबर लॉज, ठीक है। द ऑडिटर है, ही हैज़ टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग द कम्प्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ द लॉज के लॉज का कम्प्लाइंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, एंड जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है मटीरियल अमाउंट्स कैलकुलेट करने में एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी टैक्स लॉज के डिस्क्लोजर जाते हैं तो उनमें कुछ मटीरियल इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसका आपको लॉज एंड रेगुलेशंस का वो लेना है, प्रॉपर ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है। नाउ ड्यूरिंग द ऑडिट the auditor shall remain alert to the possibility that other audit procedures applied may bring instances of non-compliance or suspected non-compliance with the laws and regulations to the auditor's attention, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर जो है उसको अलर्ट रहना होगा कि जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उसमें वो चेक करे कि कहीं कोई नॉन कम्प्लाइंस तो नहीं है, ठीक है। देन द ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद द गवर्नेंस, ठीक है। मैनेजमेंट और TCWG से डिस्कस करेंगे एंड इफ द मैनेजमेंट हैज अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद द गवर्नेंस डू नॉट प्रोवाइड सफिशियंट इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स दैट द एंटिटी इज इन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस एंड इन ऑडिटर्स जजमेंट द इफेक्ट ऑफ द सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस मे बी मटीरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट और TCWG से डिस्कस करने के बाद अगर वो आपको कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं कि उन्होंने लॉज एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली कंप्लाई किया है एंड अगर ऑडिटर को लगता है कि जो उन्होंने लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं किया है उनका अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल लेवल पे होगा, देन ऑडिटर शैल कंसिडर द नीड टू ऑब्टेन द लीगल एडवाइस। देन वो किसी लॉयर एंड ऑल को हायर कर सकता है, लीगल एडवाइस ऑब्टेन कर सकता है कि सिचुएशन में लॉज फॉलो नहीं हुए हैं तो पर्टिकुलरली कंपनी के लिए क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं। In case if the auditor concludes that the non-compliance has a material effect on the financial statements and has not been adequately reflected in the financial statements, the auditor shall express a qualified or adverse opinion on the financial statements. ठीक है, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि नॉन कंप्लायंस है, मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंड जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपरली दिखाया नहीं गया है तो उस केस में ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। नाउ AS 29 का रेफरेंस दे रहा है। फर्दर एज पर AS 29 प्रोविजन्स कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स फ्यूचर इवेंट्स दैट मे इफेक्ट द अमाउंट रिक्वायर्ड टू सेटल एन ऑब्लिगेशन शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द अमाउंट ऑफ अ प्रोविजन वेयर देयर इज अ सफिशियंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट द इवेंट विल अकर, ठीक है। आप उन चीज़ों का प्रोविजन बनाते हो जो कि फ्यूचर में अकर होने वाले हैं और आपको आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है जिसको सेटल करने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, ठीक है, और आपके पास प्रॉपरली एविडेंस है उस चीज़ का कि वो इवेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एविडेंसेस है, गवर्नमेंट का आपके पास नोटिस आया हुआ है, दो गवर्नमेंट ने वापस रिप्लाई नहीं किया बट यू हैव द नोटिस विद यू, ठीक है, उनका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, तो यू हैव द सफिशियंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट द इवेंट विल अकर कि बाद में गवर्नमेंट वापस से डिमांड कर सकती है, ठीक है, और आपको ऑब्लिगेशन सेटल करना है यानी कि जो डिमांड आई है आपको वो सेटल करने के लिए आपको पे करना होगा। फर्दर मोर द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज़ टू स्पेसिफिकली इंक्लूड सर्टेन मैटर्स स्पेसिफाइड इन पैरा 3 ऑफ कारो 16, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट में भी आप रिपोर्ट करोगे, वन ऑफ द सच मैटर इज नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, ठीक है। अगर आपने गवर्नमेंट को ड्यूज दिया, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी कवर किया है, ये जो भी रिपोर्टिंग का पार्ट आएगा अगर वो रिपीट होगा तो हम उसको बार बार पूरा रीड नहीं करेंगे बिकॉज वो रेपिटेशन होगा एंड इट विल अगेन कंज्यूम योर टाइम। तो आप एक क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो कि क्या लैंग्वेज यूज करी गई है एंड बाकी क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी इनकम टैक्स ड्यूज हैं, सेल्स टैक्स एंड ऑल की जगह आपको GST लिखना होगा अगर वो डिपॉजिट नहीं हुए हैं ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, किसी डिस्प्यूट की वजह से
आपको बी पार्ट में ये बताना है कि किसी डिस्प्यूट की वजह से तो आपने डिपॉजिट नहीं किया है, तो जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है और जिस फोरम में पेंडिंग है आपको वो मेंशन करना होगा। एंड ये आपको सारे लॉज बता दिए हैं 29 SA 250 प्लस कारो कि कहाँ कहाँ रिपोर्टिंग और कहाँ कहाँ आपको चेक करना रिक्वायरमेंट है। अब आपको प्रेजेंट केस की बात कर रहा है, आपको यूजुअली ऐसे ही आंसर करना होता है लॉ प्रेजेंट केस एंड देन कंक्लूजन। नाउ इन द प्रेजेंट केस वो बोल रहा है कि बिग एंड स्मॉल लिमिटेड जो है उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ है बाय द डिपार्टमेंट, जिसके डज शो कॉज नोटिस का मतलब ये नहीं है कि आपको डिमांड पे करनी ही करनी है, ठीक है। अभी सिर्फ आपके पास नोटिस आया है और आपके पास कोई डिमांड नोटिस नहीं आया है, आपको ये बोल रहे हैं कि आप क्यों लाइबल नहीं हो, ठीक है। शो कॉज नोटिस आया है तो इन सो फार एज द कंपनी हैज़ रिप्लाई टू द नोटिस एंड नो फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट, दिस शो कॉज नोटिस मे बी एन अलर्ट और इंडिकेशन ऑफ नॉन कंप्लाइंस फॉर द ऑडिटर, ठीक है। डिपार्टमेंट ने कोई रिप्लाई नहीं किया है लेकिन शो कॉज नोटिस आया है तो ऑडिटर को अलर्ट हो जाना चाहिए कि कोई ना कोई कंपनी में नॉन कंप्लाइंस हो रहा है। सो ऑडिटर नीड्स टू डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड अप्लाई द एडिशनल प्रोसीजर। इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट देयर इज नॉन कंप्लाइंस देन प्रोविजन फॉर द सेम शुड बी मेड एज पर AS 29। अगर ऑडिटर को भी लगता है कि सच में कोई नॉन कंप्लाइंस हुआ है आफ्टर द चेकिंग तो फिर AS 29 के अकॉर्डिंग प्रोविजन बनेगा। एंड द ऑडिटर शुड ऑल्सो रिपोर्ट द अमाउंट ऑफ ड्यूज नॉट डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट एंड द फोरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। इफ़ द मैनेजमेंट डज नॉट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, अगर मैनेजमेंट नहीं एक्सेप्ट करता है ये सब रिपोर्ट करने के लिए और ये सब डिटेल्स देने के लिए, देन द ऑडिटर शुड क्वालिफाई द रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। और वाइसी वर्सा, अगर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है तो मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है रिक्वेस्ट, तब भी आप क्वालिफाई करोगे, और अगर एक्सेप्ट कर ली है और तब भी पेंडिंग है और अगर कॉन्टिन्यूस नॉन कम्प्लाइंस हो रहा है तब भी आपको रिपोर्ट क्वालिफाई करनी है कि ये सारी चीज़ें पेंडिंग है, ठीक है। लॉज अभी फॉलो नहीं हुए हैं। सी पार्ट, डायरेक्टर ऑफ टी लिमिटेड ड्रॉज इन एडवांस ऑफ $200 पर डे इन कनेक्शन विद अ फॉरेन ट्रिप अंडरटेकन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। On his return, he files a declaration stating that entire advance was expended without any supporting or evidence. टी लिमिटेड बुक्स द एंटायर एक्सपेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ सच डिक्लेरेशन एज द ऑडिटर ऑफ टी लिमिटेड, हाउ डू यू डील विद दिस। जो टी लिमिटेड का डायरेक्टर है उसने एडवांस लिया था $200 पर डे का फॉरन ट्रिप के लिए एंड वो बोल रहा है कि उसके पास कोई एविडेंसेज नहीं है कि उसने कहाँ खर्चा किया, ठीक है। और सिर्फ ये डिक्लेरेशन कि उसने इतना खर्चा किया है विदाउट एनी एविडेंस, जो कंपनी है कंपनी ने अपने बुक्स में बुक कर लिया है। नाउ यू आर द ऑडिटर, तो आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे डील करोगे। यहाँ पर डायरेक्टर ने जो एडवांस लिया है कंपनी से वो उसके लिए कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं दे रहा है, दो ट्रिप कंपनी के बिहाफ पे है बट इट मे बी पॉसिबल कि उसने अपने कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस वहाँ पर इनकर किए हों और वो कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमें रिपोर्ट करना होता है सेक्शन 143 में कि जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस है कहीं वो तो रेवेन्यू अकाउंट से चार्ज नहीं हुए हैं, प्लस हमें प्रॉपरली वो बोल रहा है कि उसके पास कोई एविडेंसेस नहीं है, तो एज पर ऐसे 500 हमको प्रॉपरली एविडेंसेस कलेक्ट करना भी मैंडेटरी है और ऑडिटर को एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस होने चाहिए बिफोर फॉर्मिंग एनी ओपिनियन और बिफोर रिपोर्टिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। SA 500 audit evidence states that an auditor should obtain sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusions on which to base his option. Section 143(1)(e) of the Companies Act requires an auditor to inquire whether personal expenses have been charged to revenue account. In this context of the facts of the case, ascertain whether the payments made by the company for the foreign trip form an allowance or reimbursement. कि जो भी उसको अमाउंट पे किया गया है क्या वो अलाउंस है कि इतना उसको अमाउंट दे दिया एंड उसमें से इतना अलाउ हो जाएगा किसी अलाउंस के फॉर्म में सैलरी में दे रहे हैं या फिर उसको रीइंबर्स किया जाएगा। एंड अलाउंस एक फिक्स सम है कि आपको इतना अलाउ होगा, इससे ऊपर आपको नहीं अलाउ होगा, एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया होता है।
ठीक है, एंड नो एविडेंस सपोर्टिंग द एक्सपेंडिचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ अलाउंस टू द डायरेक्टर, ठीक है, अगर आपको है कि आपको एक बार कहीं पे भी जाना है तो आपको उसका 550 रुपीज़, आप जैसे काम आर्टिकलशिप भी करते हो तो उस टाइम पे अगर आपको वन वे का 50 रुपीज़ कंपनी आपकी फर्म ने फिक्स कर रखा है तो वो एविडेंस नहीं मांगेंगे, आपको 50 दे देंगे फिर चाहे आपका कम लगे चाहे ज़्यादा लगे, ठीक है, अलाउंस में आपको कोई एविडेंस नहीं चाहिए होता। ऑन द अदर हैंड इफ़ द पेमेंट इज़ अ रीइंबर्समेंट शुड बी अगेंस्ट एक्चुअल एक्सपेंडिचर, अगर रीइंबर्समेंट का केस है तो जितना आपका एक्चुअल खर्चा हुआ है आपको उसी का रीइंबर्समेंट मिलेगा, देन द एविडेंसेज आर रिक्वायर्ड, देन द प्रूफ इज रिक्वायर्ड कि व्हाट इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। नाउ द डायरेक्टर कंसर्न शुड प्रोवाइड प्रूफ ऑफ एक्सपेंडिचर, सिंस द डायरेक्टर हैज़ गिवन ओनली अ डिक्लेरेशन द ऑडिटर शुड एसर्टेन द रिलेवेंट फैक्ट्स एज टू वेदर द एडवांस पेड इज पर्सुइंग टू द पॉलिसी ऑफ द कंपनी which is based on approximate estimation of the expenditure actually incurred by a person of the status of a director and the same is applicable to person of similar status within the company, कि जो भी एडवांसेस डायरेक्टर्स को हम पे कर रहे हैं क्या वो एक्सपेंडिचर नॉर्मली अगर कोई और पर्सन जाता है वो भी इतना ही इनकर करता है या वही सब बेनिफिट्स जो हैं वही सब अमाउंट उसको ही प्रोवाइड किया गया है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस अनड्यू उसको एडवांटेज दिया गया है या बाकी सबको भी उतना ही दिया जाता है। If the auditor considered the advance taken is reasonable, then the declaration can be considered adequate. अगर auditor को लगता है कि reasonable amount है तो declaration को आप consider कर सकते हो, otherwise auditor has to call for additionally documentary evidence, ठीक है, otherwise वो ऐसे 500 को follow करते हुए additional evidences लेगा and 143(1) तो check करना ही है कि personal expense तो नहीं था जो revenue account में charge कर दिया। ये पर्टिकुलरली कारों का क्वेश्चन नहीं था, अगर इसमें कुछ गड़बड़ लगेगी तो वो फर्दर क्वालिफाई करेगा अदरवाइज वो नहीं करेगा, एंड आपको कारों में ऐसे चीज के रिगार्डिंग कहीं पे रिपोर्ट नहीं करना है। फर्स्ट पार्ट हमारा ऑडिट रिपोर्ट की पीएम का ख़त्म किया है जिसमें हमने 4 questions टेकअप किए हैं, यहाँ पर हमने थोड़ा टाइम दिया कि आपको एक फ्लो बने कि एक आंसर में क्या क्या सेक्शंस क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी होती है, फर्दर हम आंसर्स करेंगे तो हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी एंड थोड़ा फटाफट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट विल बी अपलोडेड सून, तो आप सब्सक्राइब करो, नीचे बेल आइकन प्रेस करो सो दैट आपकी कोई वीडियो मिस ना हो, एंड नेक्स्ट पार्ट आई विल अपलोड मे बी टुमारो एंड ऑल द चैप्टर्स, नेक्स्ट चैप्टर्स विल बी टेकन अप विल बी कंपनी ऑडिट एंड फिस्कल लॉस आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट। ओके गाइज, स्टडी वेल, थैंक यू सो मच।